नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एम देवांगन ब्लॉग के एक और वीडियो में आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा काम खत्म हो गया है। आज दिन भर में मैंने बनाया है दो जैकेट। एक जैकेट जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टंगा है, उस जैकेट को आज मैंने बनाया है। और एक जैकेट बना था, वो अभी नहीं है, उसे मास्टर जी लेके चले गए हैं। मतलब ग्राहक आ गया था उस जैकेट का, इसलिए वो जैकेट मेरे पास नहीं है, वो जैकेट चले गया है दुकान। तो दोस्तों, आज दिन भर में यही दो जैकेट बना था। तो दिन भर में आज मैंने कमाया है करीब 700 रुपया। दोस्तों, एक जैकेट का मिलता है करीब 350 रुपया। तो उसके हिसाब से आज दिन भर में मैंने कमाया है 750 रुपया। तो आज सुबह से लेकर शाम तक यही कमाई हुआ है। और अगर नए काम की बात करें तो आज हमारे पास आया है दो जैकेट बनाने के लिए, जिसे कल बनाना है। कल जब वो जैकेट बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा उस जैकेट को बना के। तो बस यार, आज तो सिर्फ यही दो जैकेट बस काम हुआ है, और तो कुछ काम नहीं है। एक जैकेट और था बनाने का, लेकिन वो अभी टाइम है, उसमें भी करीब 3-4 दिन का टाइम है, तो उसे मैं आज चालू नहीं किया हूँ। तो आज सिर्फ यही दो जैकेट कम्प्लीट हुआ है। दोस्तों, अभी काम थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि शादी का सीजन अभी नहीं है। शादी का सीजन अब सीधे होली के बाद रहेगा। होली के तक के काम ऐसे ही रहेगा, मतलब नॉर्मल काम रहेगा, काम लो रहेगा। तो होली तक के अभी ऐसे ही खाली बैठना पड़ेगा। होली के बाद वाला जो सीजन आएगा शादी का, उसमें काम थोड़ा सा रहेगा, 1-1.5 महीना। उसके बाद तो हो गया, फिर उसके बाद पूरा 6 महीना फुर्सत है। मतलब हमारा काम फिर जब दिवाली आएगा, 2024 में दिवाली आएगा, तब काम चालू होगा। बरसात में पूरा काम डाउन रहता है, बरसात में कुछ भी काम नहीं रहता है, बरसात में पूरा खाली घूमना पड़ता है। बरसात में जो स्कूल वाला कोट आ गया उसे ही बनाना पड़ता है, और बाकी जो सिविल काम है, जो हम लोग ये शादी वाला काम बोलते हैं, वो काम बरसात में बिल्कुल भी नहीं रहता है। बस यही दिक्कत है हमारे काम में यार, कि बरसात में काम नहीं चलता है। जो काम चलना है होली के, मतलब दिवाली के बाद जो सीजन रहता है, उसमें काम चलता है। होली तक के इसी बीच में काम चलता है, और बरसात में तो पूरा काम डाउन रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।